अगर आपके बच्चे ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो आपके पास मेडिकल के अलावा और क्या क्या ऑप्शन हैं? अगर आप उनको जानना और समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए लेके आएंगे। देखिए, ये डेफिनेट है कि अगर बच्चे ने PCM किया है, मैथमेटिक्स लिया है, तो ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, बायोलॉजी के साथ ऑप्शंस रिलेटिवली कम होते हैं। पर फिर भी आपके पास कुछ सुनहरे मौके हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और उसमें से एक है आईसर। इंडिया में 7 आईसर कैंपसेस हैं और ये 7ों ही आईसर अपने बेसिक साइंसेस के कोर्स के लिए नोन हैं। यहाँ पर जो बेसिक साइंसेस की पढ़ाई होती है वह आपको आगे रिसर्च में जाने के लिए मदद कर सकती है, आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के लिए एडमिशन्स के लिए मदद कर सकती है। तो डेफिनेटली अगर आप सोचते हैं कि आप बेसिक साइंसेज में कैरियर बनाना चाहते हैं, आप साइंसेज में टीचिंग एज अ प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो आईसर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब देखते हैं कि आईसर में आपके पास क्या 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 ऑप्शन रहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो ये है कि ये 7 आईसर कैंपसेस आपके पास हैं। ये हैं बहरमपुर में, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पूना, त्रिवेंद्रम और तिरुपति। तो ये 7ों में से कोई भी आईसर में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको जो एग्ज़ाम लिखेंगे उस एग्ज़ाम में, आईसर का एग्ज़ाम एक अलग एग्ज़ाम होता है जिसे IIT कहा जाता है। IIT का एग्ज़ाम अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको 4ों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। अब चूंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली मैथ्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, और शायद आप मैथ्स ना लेना चाहते थे इसलिए आपने बायोलॉजी लिया। आइदर केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मैथ्स के कुछ सवाल यहाँ पे करना ज़रूरी है, और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपका थोड़ा भी मैथ्स अच्छा है तो ये ऑप्शन आपको मिस नहीं करना है। अब इसमें होता क्या है, आपको अटेम्प्ट सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, पर अगर आप बायोलॉजी के साथ थोड़े मैथ्स के भी अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आपको एज मिल जाएगा, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो बायोलॉजी के क्वेश्चन सही कर पाएँ। तो इसके लिए आपको 4ों सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ने रहेंगे, और जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पर जो क्वेश्चंस का तरीका है वो बहुत अलग होता है, तो क्वेश्चंस आर यूजुअली अप्लाइड इन नेचर। तो ये एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर पुराने पेपर्स को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जिस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि बायोलॉजी में किंगडम क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन पूछते हैं देखते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर हैं, अगर आप वो देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा अप्लाइड नेचर के मिलेंगे, और ये कौन से ईयर में पूछे गए हैं आप ब्रैकेट में वो भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये कुछ चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। पर जैसा कि हमने कहा, आईसर एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप नीट लेके तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल्स की तैयारी कर रहे हैं, PCB आपका सब्जेक्ट है। तो आईसर के अलावा और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए। आने के लिए धन्यवाद।